मैं जो आज ये जो वेशभूषा है मुझे ऐसे ही लग रहा है कि मैं दूल्हे टाइप फीलिंग आ रही है। क्या जादूगर भी है थोड़ा सा? अभी कबूतर निकाल लेगा इधर से। कोशिश करता हूँ मैं हास्य का कबूतर निकाल ले। क्या बात है, निकालो। बैंड बाज संग जो सफेद घोड़ी पे आता है, फेरे लेते ही वो सुकुमार चला जाता है। बैंड बाज संग जो सफेद घोड़ी पे आता है, फेरे लेते ही वो सुकुमार चला जाता है। याद इतना सा रख लेना कि शादी के बाद प्यार मोहब्बत का बुखार चला जाता है। प्यार मोहब्बत का बुखार चला जाता है। साल भर में हो जाता है वीकेंड का दी एंड। साल भर में हो जाता है वीकेंड का दी एंड। झाड़ू पोछे में ही रविवार चला जाता है। झाड़ू पोछे में ही रविवार चला जाता है। अच्छा खासा आदमी बाबा जी बनने के लिए भरी जवानी में हरिद्वार चला जाता है। वाह वाह वाह। ये तो मतलब ये शादी के बाद की स्थिति है, लेकिन एक बहुत पुराना किस्सा याद आ रहा है मुझे। एक पति ने पूछा, बिल्कुल मरणासन्न स्थिति में था, तो उसने एक पत्नी से सवाल पूछा। एक ही सवाल है बस, मैं अंतिम में मरणासन्न स्थिति में हूँ, उसका जवाब दे दे बस। पत्नी ने कहा नहीं माना तो ठीक है, फिर भी वो नहीं माना। उसने सवाल पूछा और वो जवाब क्या था कि पत्नी को बुला कर मरणासन्न पति बोला, जानना चाहूंगा बरसों से जो बिचारा है। पत्नी को बुला कर मरणासन्न पति बोला, जानना चाहूंगा बरसों से जो बिचारा है। जानना चाहूंगा बरसों से जो बिचारा है। चार में से तीन गोरे पुत्र तो मेरे, मगर सच बता काला वाला किसका गुजारा है। सच बता काला वाला किसका गुजारा है। पत्नी बोली रहने दो, पति बोला कहने दो, यह जानना तो अधिकार भी हमारा है। पत्नी ने निभाया धर्म, बोली सारी छोड़ शर्म, चार में से एक काले वाला ही तुम्हारा है। ये बड़े जीवन के आनंद हैं, लेकिन ये बहुत गजब हो गया। मैं आपको एक गीत सुनाना चाहता हूँ, क्या गजब हो रहा है इस देश में, जीवन में क्या गजब होता है, तो क्या गजब हो रहा है, मैं आपके बीच में गीत शुरू करता हूँ। गजब हो गया, गजब हो गया, गजब हो गया, गजब हो गया, जो होना नहीं था वो सब हो गया। गजब हो गया, गजब हो गया। ये भैया जी सोच रहे हैं बातें बड़ी रंगीली, ये भैया जी सोच रहे हैं बातें बड़ी रंगीली, नहीं अकेला बैठूं घर मिल जाए कोई अकेली। गजब हो देश के 90% देखो ऐसे साजन, इस देश के 90% देखो ऐसे साजन। घर में बीवी बैठी है और ताके रोज पड़ोसन, घर में बीवी बैठी है और ताके रोज पड़ोसन। गजब हो गया, गजब हो गया, गजब हो गया। और इसका अंतिम मन सुनाना चाहता हूँ, बात को मोड़ते हुए एक संदेश पहुंचाना चाहता। पहले भाई अच्छा था पर अब लगता है साला, पहले भाई अच्छा था पर अब लगता है साला, पहले भाई अच्छा था पर अब लगता है साला। जब से बीवी घर में आई माँ को बाहर निकाला, गजब हो गया, 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 गजब हो गया। वाह 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 वाह, क्या बात है, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया। भाई अच्छा था पर अब लगता है साला, जब से बीवी घर में आई माँ को बाहर निकाला। क्या संवेदना के सूत्र पे तुमने अपने गीत को समाप्त किया है, क्या बात है, बात बहुत बढ़िया है। क्या कहना चाहते हैं हमारे मेहमान, जानना चाहेंगे हम। कुछ ऐसी चीजें होती हैं जो मेरे को लगता है कि सिर्फ दर्शकों को सुननी चाहिए, तो जो इन्होंने इतने ऐसा जो आपने अभी लाइन बोली, जो इन्होंने लास्ट में बोली,
मैं दोहराना नहीं चाहता हूँ क्योंकि मैं ऐसी लाइनों से बड़ा बच के चलता हूँ। मैं बहुत प्रेम करता हूँ अपने माता पिता से, शादीशुदा जीवन में भी हूँ। तो कई बार क्या होता है ना, आप जब इसको सहजता से बोलना चाहते हो तो लोगों को समझ में नहीं आती है, बट इन्होंने जो गा करके बोला तो आप हंसते हंसते उस जोन में चले गए जहाँ आपको लगा ये क्या हुआ, तो वो हिट करता है दिल को। तो वो आपने जो लाइन बोली, आई थिंक वो बहुत जगह फैक्ट भी है, क्योंकि काफ़ी सारे वीडियोज़ आते हैं ऐसे जो बूढ़े माँ बाप घर के बाहर हैं, रीज़न चाहे कोई भी हो, इट्स नॉट अबाउट वाइफ और कुछ भी चीज़ हो सकती है, बट मेरे को लगता है कि उन्हीं से ही उत्पत्ति हुई है आपकी, और आज आप उन्हीं की उत्पत्ति पर प्रश्न जब करने लग जाते हो। और देखिए, आप सब इस शो में आए हैं, आप इस शो को देख रहे हैं काय के लिए, आनंद लेने के लिए और मजा लेने के लिए। सर ने मुझे इन्वाइट किया काय के लिए, मजा देने के लिए। तो दर्शकों, मजे का शाश्वत नियम ये है कि मजा देने वाले से ज्यादा मजा लेने वाला एक्सपर्ट होना चाहिए। भगवान कसम भाई साहब, सही बात बता रहा हूँ। बहुत से ऐसे युवा हैं इस देश में जो जवानी में नहीं ले पा रहे, और बहुत से ऐसे बूढ़े हैं। जिन्होंने 2 GB डेटा पर डे के हिसाब से ले लिए। तो आप भी ले मजो, राम बजो, आए मजो तो और बजो। हम होटल से नीचे उतरे, शैलेश भैया, पार्थ भैया, हम दोनों, तो एक बंदा खड़ा खड़ा बाइक की कीसे कान खुजा रहा। पार्थ भैया देखते रहे 10 मिनट तक। 11वें मिनट में उसके पास जाकर के बोले, भाई साहब, उसने कहा क्या है, बोले आप स्टार्ट नहीं हो रहे हो तो धक्का लगा दू। इस देश में 2 चीजें सक्सेस हो रही आजकल, या तो दादागिरी या फिर बाबागिरी। मेरी शादी नहीं हुई, मैं गया बाबा के पास। वहां पर बाबा क्या बॉडी में प्रविष्ट होते थे, जैसे इनके चूड़े, ये डाकिनी जैसे शरीर में आ जाती है ना वैसे। हाँ। ऐसे बाबा भी चबूतरे पर स्थान बना हुआ था, दुपेड़े वगैरह चल रहे, पान सुपारी इत्र वगैरह चिमटे गड़े हुए, और ढोल ढिमारे बज रहे, गन गन्ना 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 गन गन गन्ना गन। बाबा ने कहा पूछो किसको क्या पूछना है। मैं चला गया, मैंने कहा बाबा मेरे छोरे छोरी नहीं हो रहे। तो बाबा ने वो अनाज के दाने उठाए, मुझे दिए, बोले कितने, अरे मैंने कहा ये तो 4 हैं, तो कि रेपुटेशन डाउन मत कर, 3 नीचे से उठा। कितने हुए, मैंने कहा 7, बोले 7 महीने के भीतर भीतर खुशखबरी आएगी। तो मैंने पलट के कहा बाबा लेकिन मेरी तो शादी ही नहीं हुई। चिमटा निकाला और बोले बेवकूफ, क्यों इफेक्ट में साइड इफेक्ट कर रहा है, अरे तेरे प्लाट के ठिकाने नहीं और बालकनी की डिजाइन है सिलेक्ट कर रहा है। पाप के दलदल में खुद दस रहा है, मुझे दसा रहा है, अरे तेरा बैंक अकाउंट 0 बैलेंस और फोकटी ATM मशीन में कार्ड फंसा रहा है। सूखे रेगिस्तान में समंदर नहीं मिलेंगे, अरे बेवकूफ जब जमीन ही नहीं होगी तो फूल के आसमान में खिलेंगे, निकल यहाँ से। अरे मैंने कहा बाबा नाराज मत हो, एकाद ऐसा मंत्र बता दो कि कोई छोरी पड़ जाए। बाबा ने कहा बेवकूफ ऐसे मंत्र हमें मालूम होते। तो चबूतरे पे क्या अपने बाप को रोते। परीक्षा परिणाम का दिन था, पिताजी गुस्साए अखबार पढ़ रहे थे, माताजी पास में खड़ी थी, टेबल पे चाय के कप के साथ एक मार्कशीट पड़ी थी। पिताजी ने मुझे देखा, चिल्लाए झल्लाए, बोले ये भी कोई नंबर है बदतमीज, इन एवरी सब्जेक्ट 100 में से 5, 100 में से 10, 100 में से 20। अरे मैंने कहा पिताजी चिल्लाना झल्लाना आपकी आदत पुरानी है, अरे आप मार्कशीट उठा के देखो, मेरी नहीं तुम्हारी है। अंग्रेज आया सर, उसने दीवार पर वो गाय के गोबर का वो कंडा वो देखा, तो वो कंफ्यूज हो गया, क्योंकि होलैंड पोलैंड में होते ही नहीं है कंडे। पास में 70 साल के काकाजी खड़े खड़े बीड़ी पी रहे हैं, तो अंग्रेज ने उनसे पूछा, हे ओल्ड मैन व्हाट इज दिस। अब काकाजी को अंग्रेजी आती थी थोड़ी थोड़ी मेरी तरह, काकाजी बोले दिस इज कंडा। अंग्रेज बोला व्हाट कंडा, काकाजी बोले मैन्युफैक्चर बाय काउस करिंडा। अंग्रेज फिर कंफ्यूज, बोला कि हाउ डू इट काउन वॉल, दीवार पर गाय ने कैसे
कैसे किया? काका जी बोले दिस इज नॉट डन बाय काउ, दिस इज थापा। अंग्रेज बोला वाट थापा, काका जी बोले थापा मतलब थापा। तीसरी बार जब अंग्रेज ने कहा वाट थापा, काका जी ने उसकी इधर मुंडी करी और तीन रेपटे मारे, चपाक चपाक, बोले दिस इज थापा। लोग पूछते हैं तुम्हें इंग्लिश आती है? मैंने कहा यस। बोले कितनी? मैंने कहा बस। दादा का काम ही नहीं है। लेकिन आप सब हंस रहे हो, अपना रोल प्ले करो बस। आप सब आर्टिस्ट है और हम भी, अपना रोल प्ले करो बस। ये जीवन एक थिएटर है, सब कुछ हाथ उसी के है, ऊपर वाला डायरेक्टर है। कितना ही गम मिल जाए, कितना ही गम मिल जाए, चेहरे पे सदा मुस्कान रखो। मुश्किल रोल उसी को मिलता है जो सबसे बेस्ट एक्टर है। वाँ, 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 वाँ।